अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसार और आप सबका एक बार फिर से वेलकम है रुखसार फूड में। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल रोट शरबत और मलीदे की रेसिपी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है और इसे हम बीच से ऐसे कर लेंगे और जिसे मैंने मैदा मेजर किया है उससे हम 150 ग्राम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैदे को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है और हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा चाहिए। हम हाथ में जब इसे ऐसे करें तो इसकी ऐसे मुट्ठी बंधा जानी चाहिए। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। 500 ग्राम मैदा में हम 250 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे और शक्कर को मैंने पीस लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसमें। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ये गड़ी लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये आलमंड्स हैं, इसे भी मैंने बारीक काट लिया। और यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं, इसे हम डाल देंगे इसमें। और ये मैंने रोस्टेड मूंगफली लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और एक बार इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसमें हम एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका आटा सख्त लगाया जाता है। तो अगर आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर रोट अच्छी नहीं बनेगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है और इसे मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए मैंने हार्ड आटा लगाया है और इसे लगाने में आधा कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, आधा कप पानी बच गया है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा और मसल मसल कर हल्का सा चिकना कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा अब चिकना हो गया है। अब हम इसे बेल लेते हैं, हमें इसे मोटा मोटा बेलना है। इसे हम हल्के हल्के हाथों से ही थोड़ा बेलेंगे, बहुत ज्यादा आप इसे दबा कर ना बेलें। अब इतना बेलने के बाद हम इसके ऊपर से खसखस लगा देंगे। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर से सफेद तिल लगा देंगे। और अब हम इसमें मगज लगा देंगे, जिसे हम वाटरमेलन सीड्स भी बोलते हैं, इसे हम लगा देंगे। और इसे थोड़ा हाथों से प्रेस कर दें और इसे अब हम हल्का हल्का प्रेस करके बेल लेंगे। अब इसे मैंने दूसरे तरफ से पलट लिया है, इसे भी हम दूसरे तरफ भी हम खसखस लगा देंगे। सफेद तिल लगा देंगे। मगज लगा देंगे। मगज
मगज़ के दाने इसमें बिल्कुल से ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो आप लगाएं वरना आप ना लगाएं। अगर आपका रोट बनाते वक्त किनारे से फटने लगे तो आप चिंता ना करें, आप उसे साइड से ऐसे ऐसे करके बराबर कर दें, उसके बाद आप उसे फिर से हल्का हल्का बेलें। ये अब हो गया है, अब हम इसे और ज़्यादा नहीं बेलेंगे, हमें इतना ही मोटा इसे रखना है। अब हम इसे साइड में कर लेते हैं और उसके बाद हम दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने बेल कर तैयार कर लिया है और इसकी मैं थिकनेस आपको दिखा देती हूँ कि कितना मोटा इसे रखना है। ये देखिए इसे बिल्कुल इतना ही मोटा रखना है, इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे और ना तो इससे ज़्यादा मोटा करेंगे। अब हम इसे तवे पर एक एक करके सेक लेंगे। हाँ, गैस पर मैंने एक मोटे तले का तवा चढ़ा दिया है, मैंने लोहे के तवा का इस्तेमाल किया है। आप मोटे तले वाले तवा का ही इस्तेमाल करें, पतले तले वाले तवा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से तुरंत जलने लगेगी और अंदर से पकेगी भी नहीं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है अभी, सबसे पहले हम एक रोट को इस पर रख देंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। ये देखिए इसे मैंने तवे पर रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे हमें धीमे धीमे आँच पर पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच बीच में गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और उसके बाद थोड़ी देर तवे पे छोड़ दें, उसके बाद फिर से ऑन करके फ्लेम, उसके बाद फिर इसे सेकें। और जब अब ये अच्छे से एक तरफ से पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसे पलट कर दूसरे तरफ से पकाएंगे। जब तक हमारी रोट सिक रही है तब तक हम मलीदा बनाकर तैयार कर लेते हैं। मलीदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पराठा बनाया, हम जो नॉर्मल प्लेन पराठा बनाते हैं आटे का, ये वही पराठा है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए इसे मैंने हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया है। अब हम इसमें मेल्ट किया हुआ चीनी डाल देंगे। मैंने चीनी को मेल्ट किया है इसमें, बस एक चम्मच मैंने पानी डाला था और उसके बाद मैंने इसे मेल्ट किया है और मैंने सिर्फ एक टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि कितना भी आप उसे मिला लें वो थोड़ी दानेदार रह ही जाती है। और अब हम इसमें एक टीस्पून घी डाल लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू, बादाम और किशमिश है, इसे मैंने थोड़े से घी में रोस्ट कर लिया है, इसे हम डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। चीनी मेल्ट करके डालने से एक फ़ायदा ये भी है कि मलीदा जो है वो अच्छे खासे देर तक सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं होती है ठंडे होने के बाद भी। ये अब मलीदा हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब हम शरबत बना लेते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास ठंडा दूध लिया है, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें एक टीस्पून भर के शक्कर डालेंगे और ये मैं पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे डालकर हम इसमें घोल देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें आलमंड्स है और किशमिश है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये शरबत हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी रोट भी अब अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से सिक गई है, ये मेरे हाथ में ग्रीन फूड कलर लग गया है। तो लीजिए तैयार है आज की मुहर्रम स्पेशल रोट शरबत और मलीदे की रेसिपी। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।